नमस्कार दर्शकों, आज मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने शिष्यों के साथ बैठा हूँ। जबरदस्त बातचीत है, हैं भाई तैयार हैं? अभी पार्टी पे जाना है तो कभी कभी पार्टी भी होती है, तो चलो हम पता नहीं, मैं आज इनसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और बाकी ये इनकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले मैं मुकेश जी के बारे में बता दूं, ये जो पीरागढ़ी चौक है एक यहाँ पे दिल्ली में पश्चिम बिहार के पास, वो ना इनके नाम है, ठीक है। कोई भी आदमी चढ़ेगा ना तो अभी टोल नाका शुरू कर रहे हैं द्रोणाचार्य जिम की, वो फीस लगेगी। जब भी इनसे पूछता हूँ कहाँ हो तो वो जी मैं पीरागढ़ी पे हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनका दफ्तर है वहाँ पे, बात ध्यान रखना। वो वहाँ पे आगे से जाओगे ना अभी टोल खुल जाएगा वहाँ पे। हाँ भाई सुना भाई, सुजीत क्या हाल है? तो आप सुजीत से मुकेश से पहले आए थे? हाँ मैं मुकेश से पहले आया था। कौन से सन में आए? 92 में। 92, 96 फिर 97। अच्छा 96 में मेरा जिम खुल गया था, आपने खुलवाया था, कमाल की बात है। अच्छा ये मैंने आप क्या मैंने सुने आप ब्रेड पे ब्लीचिंग लगा के खाते हो? नहीं ऐसी बात है, ये क्या राजा है? नहीं मैं बताऊं, मेरे को मुकेश बताएगा ना, जब तो हम बाहर जाते हैं तो बोले जी मगर इतनी देर क्यों कर लागी, बोले जी वो ब्लीचिंग लगा के खा रहे हैं। आपने बताई थी ना जी मैं फिट रहूंगा, ये तो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने 4 पूछने। अच्छा दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, एक बार ये भी मैंने सुना है कि आपको एक बार चींटी काट गई थी गाल पे, आप अमेरिका चले गए इलाज कराने, है भाई? नहीं मुकेश ने बताया, बोल भाई। मुकेश को पता होगा जी। नहीं पर तू यार हल्दी गुड़ लगा लेता जब भी ठीक हो जाता, मेरे यार ने लाखों रुपए खर्च दिए। नहीं ये ब्यूटी का कारण क्या है ये होता? आप बोलिए, आप एक्सरसाइज करके हो जाते नहीं। अच्छा तीसरा मेरा बाद में पूछूंगा भाई। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, तेरे जयपुर में किला खरीद लिया गया, रोज जयपुर जयपुर जाया तू? ना जी रोज नहीं, मैंने कई बार पूछ ली, मैंने बोला जयपुर आ रहा हूँ, तने के महारानी का किला ले लिया जी, मेरे को पता होना चाहिए, रजिस्ट्री करा ली तो फिर मैं भी जाऊँ कभी कभी। रोज जयपुर जा रहा हूँ, होटल खरीद लिया, होटल खरीद लिया। तो वर्जिश कितने घंटे वर्जिश तो तू रेगुलर करता है? डेढ़ दो घंटा रोज। अच्छा अच्छा, तो फिर कंपटीशन क्यों नहीं लगा? कंपटीशन के लिए मैं कभी वर्जिश करी नहीं। आप मैं सबसे पहले आया था आपके पास 92 में, आपने मेरे से पूछा कि भाई क्या करना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना चाहता, मैं जिम खोलना चाहता हूँ। जिम खोलना याद है जी आपको? मतलब नोटों के पीछे नहीं नोटों देखो भाइयों, मुकेश सिंह के बाल उड़ गए और मेरे भी उड़ गए, मैं अपने बाल इसको दान कर रहा हूँ। हमारी जो सीरीज आ रही है ना उसमें एयरफॉल मुकेश ने रखा है जी, मैं नहीं बोल रहा था, डॉक्टर को बोला जी एयरफॉल की डब्बी लाओ, एयरफॉल की, इसको अपना फिक्र लग रहा है कि 2-4 दिन में। मैंने बोला यार ये थोड़े से मेरे उठ रहे हैं ना, मैंने दिए इसको, अब बताओ ये बूढ़े होने लग गए, ये बूढ़े होने नहीं चाहते, अब बालों से तो होंगे ही बूढ़े। कोई भी भाई बाल देना चाहता हो तो हमारे को इस पोस्ट नंबर पे करा, हम उसको बॉडी बिल्डर बनाएंगे, ठीक है भाई? मेरे हैं जी थोड़े। अच्छा ये मुझे ये कहता है जी ये डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटे ब्यूटी पार्लर में लाओ, नहीं नहीं ये गलत कह रहे हैं, मतलब मैं नहीं लगाता ये, इतना तो नाने में लगा दे। अच्छा नान के क्या पहले गाने गाए गए? नहीं मेरे को तो आवाज सुनाई नहीं थी, मंदिर में गाता है ना आपके सामने तो हमारी का ही मंदी का लागड़ी का तो क्यों भाई? अच्छा ये बता यार तेरे भूख घड़ी लग जो आप माने छोटा मत समझियो भाई, हर घंटे में चलती गाड़ी में नू लटक जाएगा, भूख लगी भूख लगी, बाकी जा कि भीतर जानवर बैठा रहेगा। तू बता भाई जानवर बैठा रहेगा? थोड़ा खाना खाता हूं ना, ज्यादा बार खाता हूं। नहीं नहीं ये तो ये गलत कह रहा है, देखो इसकी सगाई आप मेरे तो बताया जी वीडियो में, थोड़ा खाना ज्यादा बार खाना, इसलिए मैं थोड़ा खाता हूं ज्यादा बार खाता हूं। इसकी सगाई करने गए तो वहां आलू के पराठे और मैं ही सगाई करने गया था और दही, जिस दिन सगाई थी ना इन्हें आधा पराठा खाया, मैं वही तो नहीं आधा खाया, नहीं बोला जी वो भी रिश्ता हो जाए फिर बताया। मीना सुन ले तेरी बात कर रहा हूँ, तेरे को बहुत तंग कर रखा है, बार बार रोटी बना। मीना मतलब हमारी बेटी है, हमारी बहू है, वो
कहती जी वो समझाओ ना, इसके कुछ ऐसे कीड़े हैं क्या है समझना है। इतनी भूख क्यों कर ला गया बता दे शुरू से भी खवा के बिठाया हो तू क्यों भाई अच्छा सुरेंद्र न्यू बता, ये तने तीसरे नंबर पे क्यों रखा है? ये दो पे आगे, ये दो पे क्यों रहे? तने पीछे क्यों रखे? तेरा जो अचीवमेंट कम थोड़ी है भाई, अभी तगड़ा है, नहीं तगड़ा है, पक्की बात है। ठीक है ठीक है, अब वो जो वही मेरे से कुछ पूछते हो तो मैं ना तो फिर बंद करे कैमरा अपना, बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा था जी आपसे, ये इतनी फेडरेशन है, इतने बच्चे हैं, इतनी बड़ी फैमिली हमारी दाजिम की हो गई है, तो आप इसको कैसे संभालते हो फैमिली और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे? नहीं ये तो बहुत साल हो गए, 1994 में मैं कोच बना था, तब से फिर श्री सुब्रत दत्ता जी की फेडरेशन में आया, तब से मैं देखता हूँ कि क्रिटिसिज्म इसमें बहुत है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फेडरेशन संभालना इज नॉट अ ईजी जॉब, यू नो, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पर्सन, और जो हार जाता है उसको भी आपने खुश रखना है, जो जीत जाता है उसको आगे के लिए बुलाना है कुछ करने के लिए। सो इट इज कंप्लेंट्स तो इन गेम्स में रहती हैं कि उस बॉडी बिल्डिंग में या उसमें कि गुरुजी उसकी साइड लेते, जब गुरुजी होता है तो टीचर को भी बोलते हैं कि यार आपने उसकी साइड ले ली, आप लोग भी अब ट्रेनिंग दे रहे हो तो ऐसे होता ही है, कुछ बच्चों को होता है यार उधर चले गए उधर चले गए। एवरी चाइल्ड नीड ए मोर अटेंशन, और जब तक ये लोग कोच नहीं बने थे तो मेरी प्रॉपर सबके ऊपर बराबर नजर रहती थी, अभी भी रहती है, लेकिन कभी अभी पुराने बच्चे तो समझते हैं कि नहीं गुरुजी ऐसे नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और मेरे लिए मेंटली टफ हो जाता है। अभी मेरी एज भी हो गई है, अभी कंपनीज भी आ गई हैं, दे वांट टू प्रमोट, और अभी यूट्यूब चैनल आ गया, बच्चे पूरे हिंदुस्तान से भी और बाहर से भी आ रहे हैं, अभी केन्या से भी मेरे पास 2-3 बच्चे आ रहे हैं, इस 13-14 अगस्त को आ जाएंगे, वो ट्रेंड होने के लिए आ रहे हैं। सो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब कितनी लाइफ में आप कितनी एक्सपेक्टेशन, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम अ सिंपल कोच, और बहुत टफ है ये, बहुत टफ है, कई रातों को नींद नहीं आती, कई बारी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता हूँ, बच्चों को पता नहीं लगता, लेकिन मैं मुझे लगता है यार इसने ऐसी बात क्यों कर दी, क्योंकि बच्चे और बूढ़े इसीलिए बराबर बोले जाते हैं। अभी मुझे लगता है कि आफ्टर 62 मैं हो गया हूँ, थोड़ा ओल्ड एज हो गई है और इमोशनली चीज जो मैं हमेशा देखता हूँ जी फेडरेशन के साथ साथ, जैसे हर बच्चा जूनियर सीनियर सब अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं, आप उस चीज को कैसे टैकल करते हो? वो हर रोज अपने घर की प्रॉब्लम, अपने जिम की प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम सिर्फ आप ही सोल्व करोगे, तो ये उनको बड़े हो गए उनको भी समझना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम वो खुद सोल्व करें। नहीं ये तो तुम लोगों को भी समझना चाहिए। देखो मैं एक बात करता हूँ, क्योंकि यू आर अभी मैं सोच रहा था कि ये बात करनी है, आप जब जिम में बैठते हो ये बच्चे आ जाते हैं और आके मेरे पास बैठ जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हाजिरी लगानी है। आपकी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ कुछ तो है, स्पॉइल हो जाती है। पहले ही मेरी वाइफ एंड मी वी आर सीनियर सिटीजंस, अभी भी हमारे को सैटरडे संडे भी फ्री नहीं होता कि वी कैन सिट एंड टॉक। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरी कंसीडरेशन उसकी वजह से, और जब मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ तब लोग आके बैठ जाते हैं, आप बताओ क्या किया है? ना फोन करके आते हो, सीधा आके बैठ जाते हो। दूसरी बात ये है कि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, जब पुराने बच्चे भी छोड़ गए और उनको लगा कि गुरुजी यहाँ पे देखो मैं छोटे बच्चे की तो साइड लूं, लेकिन जब आप 45-50 साल के हो गए हो आपको मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आई कैन ओनली एडवाइज यू, ये करो और नहीं करो। जब मैंने मना कर दिया भैया यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई एम योर फ्रेंड, तो आपको वो देख लेना चाहिए था कि ये ठीक है या नहीं है। अभी मुकेश को भी मैं बोलता हूँ, बहुत बार ही समझाता हूँ, सुजीत को भी, अपने अपने लेवल, यार मुकेश मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो उसको फिर मुकेश को समझ, मे बी टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगे उस प्रॉब्लम से निकलने को, या सुजीत है या सुरेंद्र है, लेकिन उसको सॉल्व तो करना चाहिए ना, फिर नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि बहुत सारे लोग अलग हो गए, वो मेरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। बाद में उनकी ये शिकायत रही कि मैं साइड लेता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि भाई अब साइड में क्या करता, क्योंकि आई एम अ कोच, मुझे जब नए बच्चे आ रहे थे उनके तो हमेशा ही ध्यान दिया, 62 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यार, चैलेंज है हिंदुस्तान को, मैं वो वाली गुमान वाला चैलेंज नहीं कर रहा, 62 इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑन पेपर दिए हैं वर्ल्ड वाइड, और उसमें पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग और जिम, मजे की बात यह है
जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था वो चैंपियन बने और हायर लेवल गए, ओलंपिया तक। कोई झूठ थोड़ी है, मैं इसके गुमान करता हूँ। मेरे को गुस्सा इसलिए आता है कि यार हमारा काम है, और मैं सॉरी दर्शकों आप बुरा मत मानना, ये हमारा काम है और हमने प्रूफ किया और करना चाहते हैं, आगे भी काम कर रहे हैं। वो चैंपियन बनने के साथ साथ एक सक्सेसफुल लाइफ भी अपना जी रहे हैं। और सारे बच्चे आज गाड़ियों में चलते हैं, जब आप आए थे तो साइकिल, फिर अब वो भी पापा की अभी मर्सिडीज गाड़ी है। नहीं सुरेंद्र देखो दो जिम ले रहा है, मुकेश देखो दे आर वेल टू डू, और दिनेश है, रोकी है, और भी सारे बच्चे गाड़ियों में घूम रहे हैं। यू शुड बी सेटिस्फाई यार, मजा लो जीवन का। मैं तो अपने चैंपियंस दिखाता ही रहूंगा, आपको बता ही रहा हूं कि आगे आगे हमारे चैंपियंस चलते रहेंगे और बाकियों से भी मिला। ये हमारी जैसे छोटी गपशप थी, थोड़ा मनोरंजन था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सक्सेसफुल स्टोरी है द्रोणाचार्य जिम के साथ। 99.9% बच्चा हमारे पास अगर रुक गया, कभी वो रोटी रोजी से भगवान उसको नहीं, पता नहीं ऊपर वाले का, हम कुछ नहीं है। आई एम नथिंग। गलतियां मैं भी करता हूँ, मुकेश भी अभी करता है, सुजीत भी करता है। फ्रॉम लर्न फ्रॉम मिस्टेक इज अ बिग थिंग, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक फिर तो हम बेवकूफ है ही हैं या नहीं मुकेश? हर रोज गलतियां करते हैं, हर रोज सीखते हैं। हमें यह भी देखना है कि अगर ऐसे गड्ढे में ना गिर जाए जहां से कभी उठ ही ना पाए। मिस्टेक्स ऑलवेज, मुझे लगता है मिस्टेक्स ऑलवेज प्रूफ यू, इम्प्रूव यू ऑल्सो, आपको इम्प्रूव करती हैं। और गलतियों से डरना नहीं चाहिए, काम जरूर करना चाहिए, उसमें गलतियां भी होगी। वर्जिश करोगे थोड़ी गलती होगी, थोड़ी अच्छा होगा, थोड़ा दर्द होगा, दर्द से भी नहीं डरना। आजकल बड़े हिंदुस्तान से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अभी अभी हमारी एकेडमी भी शुरू है, अभी बैंड एम्बेसडर भी बन रहे हैं। बैंड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा मैंने कहा बैंड, आपको बैंड बनाएंगे कौन सा बैंड आगे, वो काला वाला बजाएंगे, सुजीत जी बड़े वाला भोपू बजाएंगे, और किसी की शादी हो तो हमारे को बुला लेना, सारे पहलवान बैंड में आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक मैसेज सब बच्चों की तरफ से क्या होना है बोलो मुकेश, होना क्या है द्रोणाचार्य जिम की तरफ से? बस अपना जिस संस्था की वजह से आपका इतना नाम हुआ, आप आगे बढ़े, उस संस्था की जड़ों से मत कटो, बस ये बात है ना। और देसी भाषा में बोलो कि जिस गुरु ने डंबल उठाना सिखाया वो कभी मत भूलो कि उसी ने सिखाया। आज आप चैंपियन बने हो तो उसी चाहे अपने जिम में ही हो, लेकिन भूल जाते हैं वो इस चीज को, वो याद नहीं रखते हैं। ये लगता मैंने आपको सिखा दिया? नहीं, मैं खुद सोचता हूँ। तो हमारे साथ मुकेश, सुजीत, सुरेंद्र सिंह मिस्टर इंडिया, यमपाल उर्फ वो वाला नहीं बचपन का गांव का नाम। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे को देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, इंटरेस्टिंग टॉक्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।